अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फोर की तरफों थोड़े खबर चाह देने। और उस्ताद जी, आजकल के जो मच्छर है उन्होंने आपके भरा का जीना आराम करके रख दिए। सारी रात वड़ वड़ के सारी नींद की मदर सिस्टर मरमन टूटू करके रख देते हैं। अब जो पहले वाले मच्छर थे ना, वो फिर थोड़े बंदे के पुत्र होते थे, वो ओपन गाटर लाइफ स्टाइल पहते थे, पी करते हुए जब आगे बढ़ते थे ना, पता चलता था कि उस्ताद जी आवाज आई है, मच्छर वड़ के गया है। लेकिन आज के जो मच्छर है वो उस्ताद जी वखरा ही चैम्बर गॉस लगा के आते हैं, आवाज उनकी कोई नहीं आती। जब खून चोरी कर जाते हैं तब जाके पता चलता है कि उस्ताद जी मच्छर वड़ गया जे, नस गया जे। और ऐसे कोई जहरीले किस्म के मच्छर हैं, ये मेरे हाथ पे देखें, यहाँ पे आपको दो निशान नजर आ रहे हैं, देख के ऐसे लगते हैं ऐसे सांप ने डस लिया है, ये मच्छर ने मुझे काटा है। और ऐसे कोई टीठ नस्ल के मच्छर हैं, पता नहीं यहाँ पे हाथ पी के पैदा हुए हैं कि मरने का नाम नहीं लेते। कल मैं कमरे के अंदर जलेबी लगाया गया हूँ, मरना तो दूर की बात, एक मच्छर भी होश तक नहीं होया। फिर कहते ने बूटा बोतियां गालना काटता है। अब उस्ताद जी, आज की वीडियो के अंदर हमने करने हैं वादू सारे काम, इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हमने अफशी ब्लैक को 98% कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले अभी नीचे जाके हमने अफशी ब्लैक के अंदर उसकी सीट्स की फिटिंग करनी है, एक की मैंने कर दी थी, दूजी रह गई है। उसके बाद उसके डोर पैनल्स हैं उनके ऊपर से हमने रंग उतारना, एक का मैंने उतार दिया था, दूजा रह गया है। उसके बाद अफशी ब्लैक के लिए हमने ब्रांड न्यू बैटरी लेके आनी है, क्योंकि जो पुराने वाली है वो 7 अप हो गई है। ये सारे काम करने के बाद हमने कल जाना है खान क्रू पे लाला जी में फ्रंट को, और वहां पे जाके राजा जी डी डेंडर से गाड़ी का जितना भी फ्रंट शो का सेट होने वाला काम है और जितना भी सामान के बाद से फिनिश शूटिंग वाला काम शाम है, वो हमने सारा का सारा खड़का के आना है। ये करने के बाद हमने जाना है इमरान कोशिश पे और वहां से जाके अफशी ब्लैक की छत कोशिश करवानी है, और साथ ही साथ रिबॉन की जो बकेट शीट हमने कोशिश होने के लिए दी हुई है उनके हाल हवाल भी हमने पूछने हैं। तो आइए सबसे पहले जाके अफशी ब्लैक के अंदर उसकी सीट्स की फिटिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे से की करना चाहिए तो की नहीं। आपका भरा पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में, वर्कशॉप बोले तो अपने गैराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियां खोल खाल कर रहते हैं। कालिया साहब यहाँ पे फुल टाइम मटियो मटी हुए हैं, अफशी ब्लैक वहाँ पे अपने दो जिंदों वाले कफन के अंदर दफन हुई है, अब्बा जी की एचर भी यहाँ पे फुल टाइम धूप के अंदर लंबे पैके सिक्के खा रही है, और हमारे गेंदे का फूल यहाँ पे इंजॉय कर रहा है। देखो जी, ये रहा वो गेंदे का फूल जो कि हमें मोटरसाइकिल वाले छोटे भाई ने गिफ्ट किया था। माली साहब ने हमारे गेंदे के फूल को फुल टाइम चाको चौबंद रखा है। अब इससे पहले कि हम अपनी सीट्स को अफशी ब्लैक के अंदर फिट करें, हम इसको फ्रेश ग्रीटा की मार के फुल टाइम लशपश करके रख देंगे। सीट की बैक साइड पे यहाँ पे लाल रंग का पेंट का निशान लगा हुआ है, जिसको साफ करने के लिए हम यहाँ पे मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करेंगे। मट्टी के तेल ने पेंट का निशान ऐसे साफ किया है जैसे सुहावा काम हो। अब अफशी ब्लैक को इसके दो जिल्दों वाले कफन के अंदर से अंदफन करते हैं। तो उस्ताद जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके भरा ने इस गाड़ी का बहुत सारा काम अंडरग्राउंड किया है, ऐसा करो पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आप लोगों को नजर आएगी। गाड़ी के अंदर कंप्लीट काला कारपेट मैंने बिछा दिया है, उसके अलावा अपनी दो केजेस मैंने इंस्टॉल कर दी हैं, पैसेंजर साइड वाली सीट भी मैंने अंदर इंस्टॉल कर दी थी, और साथ ही साथ अपना ड्रैगन बॉजी वाला गियर नॉब भी मैंने अफशी ब्लैक के विचड़ कर दिया था। डैशबोर्ड के ऊपर तमाम चीजों की फिटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ स्टेयरिंग लगना बाकी है, लेकिन वो काम हम एंड पे करेंगे। अपनी गाड़ी के अंदर सीट्स की फिटिंग करना उस्ताद जी वेरी इजी। आपको अपने फ्रश के अंदर 4 अदद मोरियां नजर आएंगी, 1, 2, 3, 4, इन 4 मोरियों के ऊपर आपने अपनी सीट्स को रखना है और उनके अंदर एक एक बोर्ड लगा देना है और आपकी सीट इंस्टॉल हो जाएगी, बस एनी जी गल है। ड्राइविंग साइड की सीट भी हमने फिट कर दी है। अब सीट्स की फिटिंग के दौरान आपने हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो सीट्स का एंगल है वो बिल्कुल सीधा हो, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि आपकी जो सीट होती है वो एक साइड से नीचे गई होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लें आप, ये भी सीधी नहीं है, ये बैक साइड से नीचे गई हुई है। तो आपने करना क्या है कि इस साइड पे सीट लगाने से पहले आपने यहाँ पे नीचे करके वाशने रख देनी है, उससे होगा क्या कि आपकी सीट का जो एंगल है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हमारा अगला काम है इन डोर कार्ड वाले इंटीरियर ट्रिम्स के ऊपर से पेंट उतारना। अब एक साइड का मैंने पहले उतार दिया था। तनु की हो गया है क्या करी मुमताज बेगम, बताओ ए? क्या करी मुमताज बेगम। उस्ताद जी, इसके ऊपर से पेंट उतारना बहुत औखा है, कल मुझे 3 घंटे लगे हैं इसके ऊपर से पेंट उतारने में। पहले मैंने ब्लेड के साथ खुर्चा है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक माल मारा है, जब उससे भी पेंट नहीं उतरा तो आखिरकार तंग आके मैंने ड्रिल मशीन के आगे वो रंग उतारने वाली अटैचमेंट होती है वो लगा के इसका मैंने रंग उतारा है। तो आइए अब इस साइड का रंग उतारते हैं। ए उस्ताद जी, ब्लेड मार मार के मेरी बात सो गई है, तो आगे का काम हम ड्रिल मशीन के साथ करेंगे। लो जी, तुसी कर लो काम, लैड नहीं आ रही। दो
घंटे की तवील मेहनत के बाद हम अपने बॉडी पैनल के इंटीरियर ट्रिम के ऊपर से हर किस्म के पेंट का नामो निशान मिटाने में कामयाब हो चुके हैं। बख्शी ब्लैक के पिछले दोनों शीशों की मैंने फिटिंग कर दी है, क्योंकि गाड़ी के अंदर इतनी जगह नहीं है कि इसके अंदर चार शीशे फिट हो सकें, तो पिछले जो दोनों थे वो मैंने फिट कर दिए हैं, बाकी के जो दो हैं वो हम पीछे रख के कल खान के रू तक ले जाएंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं नबाजी कैचर भी 16 के एवरेज एंट्री लेसी फॉर यू और अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह खुल जाए सिम सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू गड़ी दे उस्ताद जी सी गोडा बज गया जे पीछे करिए स्टार्ट पेट्रोल की सूरत हालते हैं तो उस्ताद जी ओ ताड़ी खैर पेट्रोल नीचता आज पेट्रोल बहुत ही कम होया है। अभी हम जा रहे हैं मुर्शद स्टिकर वाले को हबशी ब्लैक के डोर कार्ड्स वाले इंटीरियर ट्रिम्स को रैप करवाने। मुर्शद फिलहाल अभी बिजी था तो अपने डोर पैनल्स में उसको पकड़ाए हूँ, उनको वो कार्बन फाइबर फैब्रिक रैप के अंदर और जेट ब्लैक के अंदर रैप शैप करके रख देगा। और एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं मुर्शद स्टिकर को और यहाँ पे मुर्शद ने हबशी ब्लैक के डोर पैनल्स वाले इंटीरियर ट्रिम्स की दुनिया ही बदल के रख दी है। ये चेक करो जी माशाल्लाह से लुकिंग वेरी नाइस। आपके भरा ने यहाँ पे टू टोन निजाम किया है, सजी साइड के ऊपर यहाँ पे हमने कार्बन फाइबर फैब्रिक रैप करवाया है और जो खब्बी साइड है उसके ऊपर मैंने जेट ब्लैक रैप करवाया है। बहुत ही मजेदार किस्म का कॉन्ट्रास्ट बना है इन दो रंगों के साथ। और हमारा जो काम है उस तरह जी यहाँ पे फुल टाइम टैट हो गया जे। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी का कोई भी रैप शैप वाला काम शाम करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे स्टिकर वाले के पास आ सकते हैं। इसकी लोकेशन आप लोगों को बताऊं तो उस्ताद जी बल्कि रोड पे गैरजन शूटिंग रेंज के बिल्कुल सीध में करके आपको मुर्शद मिल जाएगा। मुर्शद नहाय मुनासिब रेट्स के अंदर आपको अच्छा काम करके देगा। दिन नंबर दो एक बार फिर तो टीम फुरके की तरफ थोड़ी खिमत चाहने और अभी हम जा रहे हैं खान क्रू पे। लाला जी मैं फ्रेंड को हबशी ब्लैक की पुरानी बैटरी लेने, उसके अलावा हबशी ब्लैक के फ्रंट दोनों शीशे भी मैंने चुक लिए हैं ताकि इनको हम सेफ एंड साउंड HRV के अंदर खान क्रू तक पहुंचा दें, क्योंकि हबशी ब्लैक के अंदर इस तरह की फ्रेजाइल चीजें लेके जाना हमें महंगा पड़ सकता है, तो इस वजह से एहतियात जरूरी है। हमने खान क्रू से हबशी ब्लैक की पुरानी बैटरी चुक ली है और साथ ही साथ एक अदर एक्स्ट्रा बैटरी हम साथ अपने घर लेके जा रहे हैं, जिसको लगा के कल हम हबशी ब्लैक को खान क्रू तक लेके आएंगे। आज हमने हबशी ब्लैक के लिए नई बैटरी खरीदनी थी लेकिन कुछ कामों के चक्रों के अंदर टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, तो नई बैटरी हम कल खरीद लेंगे। और एक बार फिर हम मौजूद हैं खान क्रू पे, लाला जी मैं फ्रेंड कॉल और यहाँ पे आते साथ ही हमें एक दिल दहला देने वाली खबर मिली है कि राजा जी डेंटर आज छुट्टी पे हैं। आपका प्रा हबशी ब्लैक का आज सारा सामान साथ लेके आया था जिसके अंदर इसका फ्रंट बम्पर आता है, फ्रंट ग्रिल आती है, दरवाजों की रबरें शबरें आती हैं। इस उम्मीद के साथ कि हबशी ब्लैक का जितना भी फिटिंग शिटिंग वाला काम शाम है हम सारा का सारा खड़का के रख देंगे। लेकिन डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैंसन इमरान पोशी से बशिंदे मैदान जंग के अंदर एंट्री मार चुके हैं और हबशी ब्लैक की छत की पोशिश का जो काम है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ हमारे फ्रेंड ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं। अब मैंने गाड़ी की थोड़ी बहुत वायरिंग शायरिंग की है अपने इन गुनागार हाथों के साथ, तो वायरिंग उस्ताद जी पूरी लड़ गई है मैनू। उस्ताद जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इसलिए सियाने कहते हैं ना कि अल्लाह के काम में और बिजली के काम में हाथ नहीं मारना चाहिए, किसी टाइम बंदा टंगा जा सकता है। लेकिन भाई फिलहाल अभी आपने हबशी ब्लैक को हाथ मारने हैं ताकि गाड़ी की जो वायरिंग है वो फिर से जागर हो जाए अपनी मौत से। नहीं होगा तो भाई कर दो प्यार दे आओ। ये मैंने भी पेंट के पैसे वापस करने हैं थोड़े से, ऐसी बातें बोलेगा इसको नहीं मिलने यहाँ से पोशी वगैरह काम खत्म हो जाए फिर देखते हैं इसको इंशाल्लाह। हमारे साथ हमारे फ्रेंड इमरान साहब मौजूद है। उस्ताद जी सुनाए क्या हाल चाल आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? ए वन अल्लाह शुक्र। और उस्ताद जी यहाँ पे इमरान साहब ने हबशी ब्लैक की छत की दुनिया ही बदल कर रखी है, छत चेक करो तुसी। माशाल्लाह से प्रॉपर काम किया उन्होंने, टन बाय टन काम। ये देखो खूबसूरत किनारियां चेक करें सारी की सारी, प्रॉपर तरीके से बैठ रही है, जितनी भी फिटिंग है प्रॉपर तरीके से हो रही है। और ये जो पोशिश है ये उस्ताद जी वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ होने के साथ साथ क्या है वांगी है क्या है? वांगी कंपनी हमारा अपना ब्रांड है। हाँ। और इसको जैसे आप कपड़ा लगाएंगे ये बुर भी नहीं छोड़ेगा और खराब नहीं होगा, और ये वाटर प्रूफ कपड़ा है भाई साहब ने तो देखा है, तो भाई साहब से पूछ रहे। ये चेक करो जी पोशिश, ये फ्रंट से और ये उस्ताद जी बैक से, काम माशाल्लाह से बहुत मजेदार किस्म का है। तो अगर आप लोगों ने भी पुशी का कोई भी काम शाम करवाना हो तो आप इमरान पुशीश पे आ सकते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर से पुशीश करवा सकते हैं। काम की क्वालिटी आप तमाम लोगों के सामने है और जो डिटेल्स हैं वो आप नजर आ जाएंगी। ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट मैदान जंग के अंदर एंट्री मार चुके हैं और हबशी ब्लैक की वायरिंग का जो मैं कबाड़ा किया था उसको सेटमेट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने आते साथ ही हमारी जो दोनों गेजेस हैं उनको चालू कर दिया है। अब हुआ क्या था कि इसको आपको एक करंट की तार देनी होती है,
एक ग्राउंड की देनी होती है, मैं दोनों ग्राउंड की दे दी थी। वो तो शुक्र है उस्ताद जी हमारी गेजिस नहीं सड़ी, वरना यहाँ पे काम महंगा हो जाना था। आप देख सकते हैं हमारी दोनों गेजिस चालू हो गई है, ये आरपीएम की है और ये वाटर टेम्परेचर गेज है। उस्ताद जी आज है दिन नंबर 3 और आज हमने जाके सबसे पहले हबशी ब्लैक के लिए ब्रांड न्यू बैटरी चुकनी है, उसके बाद हमने जाना इमरान पुशिश पे, वहाँ पे रिबॉन की जो बकेट शीट हमने पुशिश के लिए दी हुई है उनको हमने पिक करना है। उसके अलावा आपके भरा के पास एक जेन्युइन मोमो का स्टीयरिंग पड़ा हुआ है, अभी इसकी बहुत नाजुक सूरत हाल है, तो हमने जाके इसके ऊपर कार्बन फाइबर वाली पुशिश करवानी है। ये पुशिश वाले काम से वेले होके हमने जाना है खान क्रू पे लाला जी मा फ्रेंड को, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रिबॉन का 6 स्पीड शिफ्टर आज पहुंच गया होगा। उसके अलावा तमाम लोग चौकस रहे क्योंकि आजकल एक्साइज वाले फुल एक्शन में आए हुए हैं, कहीं भी नाका लगाए खड़े हो जाते हैं और जिनके भी टोकन शॉर्ट होते हैं उनको साइड पे टक लेते हैं। तो इस वजह से या तो गाड़ी के टोकन पे कर दें या फिर सावधान रहें, होशियार रहें, सतर्क रहें। आपके भरा ने अस्करी बैटरी हाउस से हबशी ब्लैक के लिए और काका बैटरी है तो सिर्फ ओसाका चुक ली है। हमने हबशी ब्लैक के लिए ओसाका की 70L वाली बैटरी खरीदी है। अब मूड वैसे मेरा 80L वाली खरीदने का था, लेकिन ओसाका की 80L, डेवो के 85L, 105L, 100L ये तमाम बैटरियां मार्केट में शॉर्ट हुई हुई हैं। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी की बैटरी कमजोर है तो टाइम टू टाइम बैटरी खरीद लें क्योंकि बैटरियों के रेट ऊपर जाने वाले हैं। ओसाका की 70L वाली बैटरी हमें पड़ी है 11,500 की, 2,500 रुपए की हमारी पुरानी बैटरी काट गई थी। आपके भरा ने अच्छी ब्लैक के लिए फ्रेश शॉपिंग की है इत्तफाक ऑटो से। सबसे पहले मैंने हेडलाइट्स वाली पार्किंग लाइट्स ली है क्योंकि जो हमारी पुरानी वाली है उनका रंग फेड हो गया था। ये उस्ताद जी हमें मिली है फ्रेश 180 रुपए की। उसके बाद जो फेंडर वाले सहारे होते हैं वो भी मैंने दोनों लिए हैं, ये हमें 80 रुपए का एक पड़ा है। उसके बाद मैंने 30 क्लिप्स लिए हैं इंटीरियर ट्रिम्स की फिटिंग के लिए। हबशी ब्लैक का मुझे ये बहुत फायदा है कि जो सामान जो खैबर का लगता है ना वो हद से ज्यादा सस्ता है। यही जब मैंने EFH की पार्किंग लाइट्स खरीदी थी तो वो मुझे 10,000 की पड़ी थी। अब डिफरेंस आपके सामने है, 180 रुपए का पेयर और कहां 10,000 का पेयर। इसीलिए कहते हैं सुजुकी लाइफस्टाइल बेस्ट लाइफस्टाइल। आपका भरा पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजी में फ्रेंड कॉल और यहाँ से हमने हबशी ब्लैक के मीटर के ऊपर वाला कवर चुक लिया है। अब पहली दफा हमने इसको जो पेंट करवाया था ना इसकी फिनिशिंग सही तरह नहीं आई थी, तो हमने इसके ऊपर हल्की हल्की डिगोपनी लगवा के मंजाई संजाई करके इसको एक बार फिर से मैट ब्लैक के अंदर रंग रंग करवाया। उसके साथ ही साथ और एक बार फिर हम मौजूद है इमरान कार पोशिश पे और यहाँ पे रिबॉन की बकेट सीट का काम जोरों शोर से जारी है। भाई किर तक कहाँ पहुंचा अपना स्टिचिंग वगैरह इसकी कर रहे हैं, जिस तरह जन्म बकेट सीट का है उसी तरह ही इधर रेजिन लगा रहे हैं। आओ, आपने बोला है ठीक है, यहाँ पे कपड़ा बोला उसी तरह इसकी स्टिचिंग वगैरह भी कर रहे हैं। इधर ऊपर आके दिखाएं, एक स्टिचिंग हो गया तो देखिए साथ साथ वांगी कंपनी का बोल, हाँ चीज से वांगी वखरा है ना। तो ये देखो, ये देखो उस्ताद जी रेजिन लगा ना इसी तरह इसकी कटिंग भी हुई है, स्टिचिंग भी हो रही है साथ साथ डबल। ये देखो फॉर्म डबलिंग की है, अब ये ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर लगा दिया। अब इसकी जब स्टिचिंग वगैरह नीचे करेंगे तो ये वाट शॉट खत्म हो जाएंगे सारे। क्या ये बिल्कुल अपनी है, ये देखो इस तरह अपनी शेप के अंदर इसकी फिटिंग आएगी प्रॉपर। ये चेक करो उस्ताद जी, ये नीचे वाली इस तरह करके हमें दूर से नजर आएगी, फिटिंग नहीं हुआ तो ये ऊपर आ लिया। ये देखें जो वो बकेट सीट की सिलाई है उसी तरह इसकी, ये देखें कटिंग वगैरह डबल सिलाई भी की है, रख दी है, देखें जैसे अपनी शेप में आ रहा है उसी तरह ही इसकी फिटिंग आएगी। कितनी देर लगेगी और लग जाएगा कोई घंटा डेढ़ घंटा। चलो जी बिस्मिल्लाह करो फिर, हाँ करके दिखा। उसके अलावा हमने अपने मोमो के जेन्युइन स्टीयरिंग के लिए भी पोशिश पसंद कर ली है। पोशिश कौन सी है उस्ताद जी, चेक करो कार्बन फाइबर वाली पोशिश फॉर यू। ये कार्बन फाइबर वाली पोशिश अगर आप मार्केट से जाके लेते हैं तो आपको तकरीबन ये कोई 2,000, 2,500 या 3,000 की मिलेगी, लेकिन अगर ये आप आके इमरान पोशिश से लेते हैं तो आपको ये फिटिंग समेत 1,500 रुपए की पड़ेगी। ओके ऑफर हाजी साहब कबूल है, हम लगा के देंगे अगर आप कहेंगे। उस्ताद जी बड़ी बचत ऑफर मिल गई है आपको। उसके अलावा डिटेल्स वगैरह आपको मैं दिखा दूं पहले ही, ये उस्ताद जी इमरान कार पोशिश यूट्यूब चैनल है, ये नीचे एड्रेस है और ये इनका नंबर भी है। यहाँ पे मियां नमार और मोड़ा जी अपनी जेदी पुश्ती परंपरा बरकरार रखते हुए गाड़ी की मदर सिस्टर 1122 कार आए हैं। इस गाड़ी को अभी कंप्लीट पेंट होए हुए महीना भी नहीं होया और ये गाड़ी फ्रंट बैक और साइड से मार आया है। सबसे पहले देखें जी बैक से यहाँ से गाड़ी मार के आया है, यहाँ से गाड़ी मार के आया है, साइड्स के ऊपर आए तो यहाँ से फेंडर के पीन पार दिए सारी की सारी, ये देखो यहाँ से उसके बाद फ्रंट बम्पर सारा का सारा उड़ाया है। जो फ्रंट लिप है वो इसने उस्ताद जी बिल्कुल ही फना कर दी है, स्पीड ब्रेकर पे मार के उसकी हालत को भैड़ी किस्म कर दी है कि हमें वो उतारनी पड़ गई है। ये लिप की हालत चेक करें आप लोग, टूट गई सारी लिप इसने उस्ताद जी मार के फना कर दी। पता नहीं कौन से अन्नों की तरह ये गाड़ी चलाता है। उसके अलावा 1,00,000 रुपए की लाइटें थी ये, वो भी उस्ताद जी ने तोड़ दिया। उसके अंदर का जो क्रोम था वो वहाँ पे नहीं,
बल्कि अब यहाँ पड़ा हुआ है, ये देखो ये टूटा हुआ है और ये सही वाला है। मियाँ नमान उस मोड़ा जी ऐसे बंदे हैं कि अगर आप इसको टैंक भी ले देना ये उसकी भी माँ पैंड कर देगा। दिन से होगी रात और अब बनी है बात, इमरान साहब ने हमारी रिबॉन की बकेट सीट यहाँ पे कोशिश कर दी है और फाइनल रिजल्ट आप तमाम लोगों के सामने है। मैं आप तमाम लोगों को स्क्रीन के ऊपर इन सीट्स की पुरानी शक्ल भी दिखाता हूँ ताकि आपको उस्ताद जी वाजिब फर्क नजर आए। इमरान साहब ने यहाँ पे हमारी सीट्स की दुनिया बदल के रख दी है, आप उसका नेड़े जाकर गेड़ा करना तो उस्ताद जी ये चेक करो, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत किस्म की प्रॉपर फिटिंग की है। आपको कहीं भी उस्ताद जी वाटशर्ट नजर नहीं आते, तमाम चीज़ें यहाँ पे फुल टाइम टैट किस्म की है और यस मैस और फुल टाइम जेंगो मैंगो किस्म की लग रही है। उस्ताद जी हम सीटा चुको तो गड्डी से छोड़ दो। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।